नमस्कार, कृषि समाचार सिद्धार्थ नगर में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य अंश हैं, सन हार्वेस्टिंग यानी सूर्य की रोशनी को खेत के अंदर गर्मी की गहरी जुताई करके कैसे समाहित किया जाए, खरपतवारों को कैसे गर्मी की गहरी जुताई के माध्यम से नष्ट किया जाए, भूमि की उर्वरा शक्ति को किस प्रकार अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, खेत के अंदर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े लार्वा नेमाटोड को गर्मी की गहरी की जुताई करके हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ भूमि के क्षरण को भी कैसे रोका जा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई क्रमबद्ध सुखाने और शीतलन के कारण मिट्टी दानेदार हो जाती है एवं उसकी संरचना में भी सुधार होता है। ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जैविक तत्वों का अवघटन को तेजी से होता है जिससे पौधों को अधिक पोषक तत्व। मिट्टी में वायु की पारगम्यता बढ़ने से पिछले फसलों और खरपतवार व शाकनाशी और कीटनाशक अवशेषों तथा हानिकारक रासायनिक दवाओं के क्षय में भी मदद मिलती है जो नए उत्पादित पौधों के विकास को रोकते हैं। गर्मी के मौसम में मिट्टी की परत के नीचे कई कीड़े व कीट पाए जाते हैं। गर्मी में जुताई कीटों के अंडे लार्वा और प्यूपा मर जाते हैं जिसके बाद की फसल में कीड़े और कीड़ों का खतरा कम हो जाता है, फलस्वरूप कीटनाशक की खरीद में किसानों का खर्च कई गुना कम हो जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी में उपस्थित कई रोग जनित कारक नष्ट हो जाते हैं, अतः जुताई द्वारा पौधों में रोगों के अवरोध के कारण किसान फफूंदनाशक और कीटनाशकों की खरीद में राहत पा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता को बढ़ाती है तथा दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। पादप परजीवी निमेटोड सूक्ष्म जीव है, प्रकृति में सर्वव्यापी जो मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं वह अनुकूल परिस्थिति आने पर फसल को नष्ट कर देते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल चक्र से निमेटोड को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार नियंत्रण से लागत कम आती है, जबकि ग्रीष्मकालीन जुताई ही प्रकृति का एक मुक्त उपहार है। ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। गहरी जुताई और पलटने से खरपतवार नियंत्रण और खरपतवार नाशी का कम उपयोग ग्रीष्मकालीन जुताई का एक बड़ा फायदा है। कांस मोथा आदि के उखड़े हुए भागों को खेत से बाहर फेंक देते हैं, अन्य खरपतवार उखड़कर सूख जाते हैं, खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप फसलों और खरपतवारों के बीच एक ऐसे ही पोषक तत्व के बीच पर से स्पर्धा कम हो जाती है जिससे फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। बारानी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है, अतः बारानी परिस्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचयन करने के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। अनुसंधान से भी यह भी सिद्ध हो चुका है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से 3% बरसात का पानी खेत में समा जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी कटाव में भारी कमी होती है, अर्थात अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया कि गर्मी की जुताई करने से भूमि के कटाव में 5% तक की कमी आती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ में अच्छी तरह मिल जाते हैं जिससे पोषक तत्व तो शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। गर्मी जुताई करते समय हम क्या सावधानी रखें, इसके लिए जो सबसे प्रमुख सावधानी है कि मृदा के बड़े बड़े ढेले होने चाहिए तथा मिट्टी भुरभुरी ना हो पाए, क्योंकि गर्मी के हवा द्वारा मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जहां पर ज्यादा रेतीला इलाका है वहां पर हमें गर्मी की जुताई नहीं करनी चाहिए। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर सूर्य की रोशनी और हवा प्रवेश कर जाती है जिसे हम सन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। सूर्य की तेज किरणों से
मृदा के अंदर खरपतवार के बीज, अंडे, लटे आदि नष्ट हो जाती हैं। जुताई करने से खेत में की प्राथमिक क्रियाएं सुचारू रूप से हो जाती हैं एवं मिट्टी के कणों की रचना भी दानेदार हो जाती है, जिससे मिट्टी में वायु संचार, भूमि के अंदर नमी का संरक्षण एवं जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। जुताई द्वारा मिट्टी ढीली हो जाती है एवं उसमें ढेले बन जाते हैं जो बरसात के पानी को सोख लेते हैं, साथ ही साथ अवरोधक बनकर पानी को खेत से बाहर जाने से भी रोकते हैं, जिससे मृदा का सूक्ष्म तत्वों का क्षरण भी कम होता है। अतः पानी में ही खड़ा होकर भूमि की परतों में चला जाता है, जिससे जल स्तर भी बढ़ता है। जबकि बिना जुताई वाले खेतों में सिर्फ पानी बहकर खेतों से बाहर चला जाता है, बल्कि अपने साथ मिट्टी के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों को भी बहा ले जाता है। इसके साथ ही साथ खाद एवं जीवाश्म को भी बहाकर लेकर चला जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है और उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि पैदावार बहुत कम हो जाती है, किसानों की आमदनी कम होती है एवं साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वापस लाने के लिए किसान को अधिक मेहनत, धन, खाद और समय की आवश्यकता पड़ जाती है।